उत्तर प्रदेश में स्टेट कैपिटल रीजन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। लखनऊ और आसपास के जिलों में अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एससीआर बनाने के लिए एक्शन मोड में काम कर रही है। एससीआर में लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, बाराबंकी को शामिल किया गया है। विकास प्राधिकरण के गठन से इन सभी जिलों का शहरीकरण विकास होगा। इससे शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ सूबे के आर्थिक विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज जाएंगे। दोपहर करीब 1 बजे सर्किट हाउस में बैठक करेंगे। जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ महाकुंभ मेले की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। सीएम योगी मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी के बहादुरगंज स्थित आवास जाएंगे। मंत्री नंदी के नवविवाहित बेटे और वधु को आशीर्वाद देंगे। दोपहर करीब 3 बजे प्रयागराज से गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। फिरोजाबाद में एसडीएम ने कावड़ यात्रा की तैयारी को लेकर बैठक की है। बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। कावड़ रूट पर सीसीटीवी व्यवस्था के साथ साथ साफ सफाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आराम करने के लिए कावड़ियों विश्राम शिविर की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। हमारी शुरू हो रही है कावड़ के संबंध में कल जिलाधिकारी महोदय के द्वारा बड़े अच्छे निर्देश दिए गए थे, उनका अनुपालन कराने के लिए संबंधित थानाध्यक्ष को, वीडियो साहब को, ईओ साहब को निर्देशित किया गया है कि लाल झंडी लगवाएं और मिट्टी से भरे हुए कट्टे सड़कों के किनारे लगवाएं जिससे दुर्घटना ना हो सके। और हम लोग जगह जगह चौकी बनाकर उन्हें कैंप भी लगा रहे हैं जिसमें पुलिस के भी लोग रहेंगे ताकि कोई भी अव्यवस्था ना फैले और अच्छे से काम करें। इसके अतिरिक्त अवैध खनन और परिवहन के संबंध में भी सभी थानाध्यक्ष और सीओ साहब के साथ बैठक की गई है और ये कहा गया कि इस पर प्रभावी कार्रवाई करें, किसी भी स्तर पर कोई भी अवैध खनन और परिवहन तहसील कुंडला में ना होने पाए। कावड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानें और ढाबों पर प्रोपराइटर के नाम का बोर्ड लगाना होगा। प्रशासन के इस आदेश के बाद अब जहां एक ओर दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर चाय लवर प्वाइंट का नाम बदलकर वकील साहब टी स्टॉल हो गया है, तो वहीं संगम शुद्ध भोजनालय सलीम शुद्ध भोजनालय बन गया है। तो यहां पर हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से अब नाम यहां पर बदल गए हैं। कावड़ रूट की दुकानों के नाम यहां पर बदले हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। आपकी पहले दुकान चाय लवर पॉइंट, अब क्या हुआ आपकी दुकान का नाम चेंज किया गया है? वकील अहमद। किसने कराया, क्या रहा पूरा मामला? जी पूरा मामला में तो पता नहीं, हमें तो बंगेला पुलिस चौकी आई थी जी, उन्होंने कहा हमने कर लिया। ये प्रशासन के आदेश हुए जी, कावड़ की यात्रा के दौरान आप नाम बदलने, अपना कौन आया था आपके पास में नाम चेंज कराने? पुलिस आई थी, कह के चले गई थी, वैसे तो कुछ कहा नहीं लेकिन कह के चले गई थी, बोर्ड बदल लेना अपना। और प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है, आरओ पेपर लीक की जांच तेज हो गई है। एसटीएफ ने एक स्कूल में छानबीन की है, स्कूल के कर्मचारियों से पूछताछ की गई है, स्कूल के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए हैं। मामले में अब तक 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लगातार तार खंगालने में जुटी है एसटीएफ की टीम। तो बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, एसटीएफ ने एक स्कूल में छानबीन की है, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एसटीएफ ने एक स्कूल में छानबीन की है, स्कूल के कर्मचारियों से पूछताछ की गई है, स्कूल के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आरओ पेपर लीक की जांच तेज हो गई है, स्कूल के कर्मचारियों से भी यहां पर पूछताछ की गई है, बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको। एसटीएफ ने एक स्कूल में छानबीन की है। तो आरओ पेपर लीक की जांच यहां पर तेज हो गई है, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आरओ पेपर लीक की जांच तेज हो गई है, एसटीएफ इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
आगरा के रहने वाले लड़के की अमेरिका में गोली मारकर हत्या कर दी गई। लड़का अमेरिका में ट्रांसपोर्ट का कारोबार करता था। लड़के की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। बता दें कि 17 दिन पहले ही लड़के की शादी हुई थी। मॉल से पत्नी के साथ घर लौट रहा था। रोडरेज के दौरान विवाद में हमलावर ने गेविन को गोली मार दी। लड़के की बहन अमेरिका में रहती है। हत्या की खबर सबसे पहले बहन को मिली थी। अब परिवार वाले लड़के के शव को आगरा आने का इंतजार कर रहे हैं। परिवार आगरा के हिमाचल कॉलोनी में रहता है। अब वो हमें सारा साथ छोड़ के चला गया। किसने मार दिया? वही कोई अमेरिकन ही था। गोली मार दी जी। फिर क्या कार्रवाई की हमने? यहाँ से तो कोई कार्रवाई नहीं की है। वहाँ उसको पहले पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। अच्छा। अब उसने ये बोला कि मैंने सेल्फ डिफेंस में मारी, तो शायद उसको छोड़ दिया है। शायद अभी पक्का मालूम नहीं है उसको। अभी शादी हुई थी? जी हाँ, 17 दिन हुए थे करीब शादी हुए। 29 जून को शादी हुई थी। प्रतापगढ़ में एक लड़की का हाथ पकड़े सिपाही का फोटो वायरल हो रहा है। आरोप है कि मारपीट की सूचना पर गांव पहुंचे सिपाही ने लड़की से छेड़खानी की, लेकिन सीओ ने सभी आरोपों को गलत बताया। बता दें कि गांव में शिकायत पर सिपाही पहुंचा था। उसी दौरान दोनों पक्ष में विवाद होने लगा। सिपाही ने वीडियो बनाना शुरू किया तो लड़की और उसके परिवार वालों ने सिपाही का मोबाइल छीन लिया। ये फोटो तब खींची गई जब सिपाही लड़की के हाथ से अपना फोन ले रखा था। वहीं सीओ ने बताया कि सिपाही पर लगे आरोप गलत हैं। सोशल मीडिया पर गलत तरीके से फोटो पेश की जा रही है। जांच में सभी आरोप गलत पाए गए। घटनाक्रम की वीडियो बना रहा था। उस क्रम में विपक्षी महिलाओं द्वारा आवेदिका और पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। उसी के क्रम में उनके द्वारा आरक्षी के हाथ से मोबाइल छीन लिया गया। मोबाइल को वापस लेते समय यह फोटो क्लिक की गई है। आरक्षी की सूचना पर तुरंत थाना स्थानीय से एक महिला उपनिरीक्षक संग महिला आरक्षी मौके पर भेज दी गई। प्रतापगढ़ में पुलिस वालों की गाड़ी में टक्कर मारने वाले पशु तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी आकाश की कार पुलिस ने सीज कर दी है। तस्कर आकाश गुप्ता वाराणसी का रहने वाला है। 3 तस्कर अभी भी फरार हैं। बता दें कि 16 जुलाई की रात पीआरवी टीम की पशु तस्करों का पीछा कर रही थी। इसी दौरान तस्करों ने गाड़ी चढ़ाने की नीयत से 3 बार टक्कर मारी थी। पुलिस ने जानलेवा हमले की धाराओं में केस दर्ज किया था। फिरोजाबाद के फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर लगे हैं। मोहल्ला रुकनपुर में एक मस्जिद के बाहर इसराइल के सामान के बायकाट का पोस्टर लगाया गया है। लोगों से इसराइल के सामान के बहिष्कार की मांग की जा रही है। वहीं मस्जिद के मौलाना साहब हबीब हशरफ ने कहा है कि जिस तरह से फिलिस्तीन में बच्चे मारे जा रहे हैं, इसका विरोध सामान बहिष्कार के साथ किया जा रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चे, औरतें, उन पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, इन सारी चीज़ों को देखकर वो कोई भी इंसानियत हो वो कांप जाती है। इसलिए आदमी और कुछ लड़ तो नहीं सकता, गोला बारूद तो नहीं चला सकता है, तो अपनी अपनी आदमी की मानसिकता है, अपनी अपनी सोच है। इसलिए लोगों ने इस चीज़ का ऐलान किया कि भाई कम से कम अगर हम लड़ नहीं सकते हैं तो कम से कम इन चीज़ों का विरोध तो कर ही सकते हैं और इन चीज़ों को बंद करके हम विरोध अपना जता सकते हैं। लखनऊ से खबर है। नहर में गिरी छात्रा का शव मिला है। सेल्फी लेते समय नहर में गिरी थी नर्सिंग छात्रा। इंदिरानगर के किनारे सेल्फी ले रही थी श्रुति, पैर फिसलने से नहर में गिर गई थी। तो सेल्फी लेते समय नहर में गिरी थी इंदिरा, नहर के किनारे सेल्फी ले रही थी। खबर वाराणसी से है। सावन के महीने में काशी विश्वनाथ धाम में पूजा और दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। कुछ श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो कुछ घंटे ही काशी रुकते हैं। ऐसे श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने खास तैयारी की है। वाराणसी रेलवे स्टेशन पर
मौजूद रिटायरिंग रूम में मिनिमम 12 घंटे की बुकिंग की बाध्यता को रेलवे ने खत्म कर दिया है। अब कोई भी 3, 6, 9 घंटे के लिए रिटायरिंग रूम या डॉर्मेट्री बुक करा सकता है। IRCTC से आप ऑनलाइन बुक करा सकते हैं, आवर्स तक एक बार में बुकिंग करा सकते हैं। तो अगर आप किसी को मान लीजिए कोई कनेक्टिंग ट्रेन पकड़नी है, वो थोड़ा पहले आ गया, उसको 3 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए रूम चाहिए, तो वो 3 घंटे के लिए भी रूम ले सकता है। इसका जो टैरिफ है वो 3 घंटे का रूम अगर वो एक डॉर्मेट्री लेता है तो लगभग 300 रुपये पड़ेगा, और अगर एक डिलक्स रूम लेता है तो 350 से 400 रुपये पड़ेगा। यही टैरिफ अगर 48 घंटे के लिए करेगा तो एक डॉर्मेट्री जो डॉर्मेट्री का बेड है वो लगभग 1800 रुपये का पड़ेगा, और जो हमारा जो डिलक्स रूम है उसकी कॉस्ट लगभग 3000 रुपये है।